नमस्कार, आप देख रहे हो प्रेस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। जैसा कि पता है कि बड़ी डाणी में पेयजल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन दब रही है और इस पाइपलाइन को दबाने के लिए यहां के जो रूल्स है, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने इस पूरे गांव की धज्जियां उड़ा रखी है। हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, पूरी कॉलोनी, जितनी भी बड़ी डाणी की कॉलोनी है, सबको खोद खोद कर डाल दिया है, लेकिन उनको बंद नहीं किया है। ऐसा ही नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, स्कूल के बच्चे आएंगे और वहां पर यह रास्ता किस तरह का है, जबकि उनको कहा गया था कि आपको यहाँ पर उतना ही खोदना जितना आप उनको उसको बंद कर सको। पूरी कॉलोनी को खोद रखा है चारों तरफ से, किधर से भी स्कूल में आने का रास्ता नहीं है। ऐसे ही समस्या चारों तरफ है, ऐसे नहीं, बड़ी डाणी के अंदर हर रास्ते को जहाँ पे खोदा गया है उसको वापस बंद नहीं किया गया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है इस बात के ऊपर, कोई इनको टैकल करने वाला नहीं है। ये ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिसका सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि ये स्कूल के बच्चे कैसे आते हैं। सेवा के साथ अंकित से कहूँगा कि एक बार इनको कवर करें और आप देखिए ये रास्ता दिखाएं, एक बार आप कवरेज करवाएं कि कहाँ कैसे छोड़ के गए हैं ये। हम उस कॉलोनी में भी आपको दिखाएंगे। अब देखिए बच्चे कैसे आएंगे, बच्चों को कवर करो, आप इधर आ जाइए, यहाँ से आइए। अब देखिए ये बच्चे कहाँ से आएंगे, किधर से आएंगे, सर इनको खुद अब करेंगे। अब देखिए ये बच्चे स्कूल पहुँचे तो कैसे पहुँचे, एक बार पूरा रास्ता दिखाई, इधर से आप पूरा रास्ता दिखाओ कि क्या हाल करके गए हैं, जबकि उनको कहा गया था, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, आसपास के लोग हैं, उन्होंने उनको कहा था भाई इसको बंद करके जाना है। अब देखिए आप सहयोगी साथी से कहूँगा कि आप कवरेज करें एक बार इधर। तो क्या ये ठेकेदार अपनी मनमानी इस तरह से करते रहेंगे, इनको यहाँ के जो जनता है उसकी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं। सरकार ये थोड़ा ना कहते कि आप सुविधा, कोई सुविधा उपलब्ध कराओ तो तहस नहस करके उपलब्ध करवाओ। जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे, इनसे कोई सवाल नहीं करते हैं, इनको कोई मतलब ऐसे नहीं बताते कि आपको आज इधर जाना है तो इसको इतना पूरा कंप्लीट करें। किसी तरह के इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। अब आप खुद देख सकते हो कि किस तरह से ये स्कूली बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं स्कूल में, जिनको किस तरह से आगे भी हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ पूरी लाइन, इस मोहल्ले की पूरी लाइन को खोद कर डाल रखा है। इसी मोहल्ले की बात नहीं करूंगा मैं, ढाणी में बहुत से रास्ते ऐसे हैं, बहुत से कंप्लेंट हमारे पास आई, वीडियोज हमारे पास आए हुए हैं जहां पर लाइन को खोद दिया लेकिन उसको बंद नहीं किया। क्या इस तरह का विकास जरूरी है? अगर विकास करना है तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, लेकिन नहीं, चारों तरफ खोद कर डाल रखा है और कहीं पर भी बंद नहीं किया। और दूसरी बात ये कहूंगा, एक बार देखिए इन जो ठेकेदार, इनकी लापरवाही भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि आपका सेफ्टी टैंक कहाँ है कहाँ नहीं, और उसको भी तोड़ गए। और आप देख सकते हो वहाँ पर वो उसको ठीक कर रहे हैं। कैमरामैन सहयोगी साथी से कहूँगा कि कवरेज करके दिखाएं एक बार। आप देख सकते हो वहाँ पर, यहाँ पर इनका सेफ्टी टैंक था, लेकिन ठेकेदार ने इनको पूछा भी नहीं कि आपका यहाँ पर क्या है, उसको तोड़ के चले गए। अब ये खुद इसको ठीक कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रास्ता है, ये 3 दिन पहले खुदा था, जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रास्ता 3 दिन पहले खुदा था, ये बंद नहीं हुआ। और ये बंद नहीं हुआ, उससे पहले इधर खोद दिया, इधर दिखाइए आप जिस जहाँ से स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, और इससे पहले के खुदे हुए रास्ते भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार आप इस रास्ते को देखिए, जो 3 दिन पहले खुदा था, अभी तक इसको बंद नहीं किया और यूँ इसको ओपन ही छोड़ कर चले गए हैं। चले अब और हम आपको दिखाते हैं, ये जो रास्ता है ये पिछले 5-7 दिन पहले खुदा था, 5 दिन पहले खुद गया था, ये 26 को खुदा था, 26 तारीख को खुद गया था, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। आप देख सकते हो इसको, ये रास्ता, ये दूसरा मोहल्ला है, अभी जो कवरेज किया था वो दूसरा, इससे पहले वाला दूसरा मोहल्ला था, ये दूसरा मोहल्ला है। इधर देखिए आप, ये रास्ता दिखाइए आप कैमरामैन सहयोगी साथ अंकित से कहूँगा, ये रास्ता आप देखिए, ये भी 26 तारीख को खुदा था, अब तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले दूसरी कॉलोनी में चले गए, जहाँ पर खोद कर डालकर आ गए और उसको भी कंप्लीट नहीं किया। पूरी तरह से ढाणी, जो बड़ी ढाणी है, उसके पूरे रास्ते जो है पूरी तरफ से खराब हो चुके हैं और यहाँ का जो जन मानस है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देते हैं, वो उनसे एक दूसरे के ऊपर डालते हैं कि उनसे बात कीजिए, ये टेंडर तो उसके है, उस वो संभाल रहा है, उससे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो वो संभाल रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, किसी तरह का कोई संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं है, ना इन कोई ठेकेदारों को रोकने वाला, ना टोकने वाला। अगर इनको स्थानीय लोग कहते हैं, उनकी ये मानते नहीं है। जैसे भी ड्राइवर से बात करते तो साफ कहता है कि ठेकेदार मेरे को तो तोड़ने फोड़ने के पैसे देता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये बड़ी डाणी, ये जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जहाँ पर बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं। अब सामने से देखिए एक बूढ़ी अम्मा आ रही है, सहयोगी साथ इसका कहूँगा कवरेज करें। अब वो किस तरह से आते हैं हम आपको दिखाएंगे। अब वो बूढ़ी अम्मा, कैमरामैन सहयोगी साथ इसका कहूँगा कि कवरेज रखें। वो बूढ़ी अम्मा कैसे आएगी,
वहां तक आ रही है दुकपा के, आगे कैसे चलेगी ये सोचने वाला विषय है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए और जो ठेकेदार है जिन्होंने ये काम लिया उसको भी सोचना चाहिए। अगर आप कोई भी सुविधा दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ तहस नहस करके सुविधा दो। अगर ये पहले आप बताते कि हम आपको पानी देंगे तो हम इस तरह से बदहाल करके छोड़ेंगे तो फिर हम सोचते या फिर यहाँ की जनता सोचती कि उनको पानी चाहिए या नहीं चाहिए। अब वो अम्मा कैसे आएगी ये सीन आप देखिएगा। अब वो आएंगी तो यहाँ से कैसे आएंगी, मेरे को लगता है कि वो शायद इसे घर के अंदर से जाकर और उधर वाले रास्ते से निकलेंगी जहाँ पे थोड़ी सुविधा है। ये आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि आप इसको दिखाएं, ये है इस रास्ते का हाल और आगे भी है, आगे भी इसी तरह से कर रखा है। कहने का मतलब खोद चारों तरफ दिया है लेकिन कंप्लीट एक को भी नहीं किया है। मैं यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करता हूँ कि आप थोड़े से जागिए और संभालिए कि आपके गांव की स्थिति क्या हो रही है। जहाँ पे जनता ने आपको चुना था तो कुछ उनकी उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर आप पानी इस तरह से फेर रहे हो तो निश्चित रूप से जनता नेक्स्ट टाइम आपके बारे में सोचने पे मजबूर होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथ अंकित के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो PDS न्यूज़।